नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कहानियों को लाइक करिएगा चलिए तो इसी कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करती हूँ कहानी का नाम है गरम-गरम रोटी हन ने कमरे से आवाज़ लगाते हुए कहा शिखा ओ शिखा आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है सोच रहा हूँ नौ बजे ही निकल जाता हूँ शिखा रोज सुबह छः बजे उठ जाती बच्ची के लिए स्कूल का टिफ़िन और अपने पति का भी टिफिन बना दी अपनी योगा क्लास जाना होता था उसे वहाँ से आकर अपने पति का टिफिन भर देती थी लेकिन जैसे ही रमन ने कहा उसे जल्दी जाना है उसने तुरंत अपनी योगा मैट साइड में रख दी और रमन के टिफ़िन की, की तैयारी करने लगी और समय पर रमन को टिफ़िन बनाकर दफ्तर के लिए रवाना कर दिया उस दिन उसका योगा क्लास भी छूट गया लेकिन दूसरे दिन रविवार था सब कुछ आराम से हो रहा था दोपहर के खाने का टाइम हो गया था शिखा ने किचन से आवाज़ लगाते हुए कहा रमन सुनिए खाना तैयार है चलिए गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ आप और छोटी बैठ जाइए रमन रसोई घर में आया उसने शिखा से कहा अरे शिखा आज तो रविवार है साथ में ही खाना खाएंगे ना शिखा ने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा ओफो तुम रोज़ टिफिन में ठंडा ही तो खाते हो सुबह की बनी हुई रोटियां ले जानी पड़ती है तुम्हें आज रविवार है तो तुम्हें मैं गरम गरम रोटियां सेक कर देती हूँ और ऐसा कहकर वो रसोई घर में चल दी पीछे पीछे रमन भी आया उसने उसके हाथों से बेलन ले लिया और कहा शिखा तुम आज इस कुर्सी पर बैठो और ये बेलन मैं लूँगा शिखा को समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ रमन ने कहा कल मैंने देखा मुझे समय से पहले ऑफिस जाना था तो तुम योगा क्लास तक नहीं गई और मेरे लिए समय पर सब टिफ़िन बना दिया हम सबको तो तुम हर रविवार को गरम गरम रोटियां सेक कर देती हो लेकिन तुम्हारे लिए तो कभी किसी ने गरम रोटी बनाने का सोचा ही नहीं जैसे तुम हमें प्यार से एक एक करके ज़्यादा ही गरम रोटियां खिलाती हो वैसे तुम्हें भी तो गरम रोटियां अच्छी लगती होंगी भाई मुझे रोटियाँ बनानी तो नहीं आती कोशिश करूँगा तो एक दो देश के नक्शे तो बन ही जाएंगे लेकिन आज मैं तुम्हें गरम गरम रोटियाँ दूँगा और तुम मेरे सामने बैठकर कर यहाँ खाना खाओ शिखा ने कहा अरे तुमसे नहीं होगा छोड़ो ना हम औरतों के लिए गरम क्या और ठंडा क्या घर के लोग ही अच्छे से खाना खा लेते हैं इसी बात की हमें तसल्ली हो जाती है मायके में थी तो मम्मी देती थी गर्म रोटियाँ अब तो कोई मलाल भी नहीं कोई शिकायत नहीं ऐसा कहकर उसने पतिदेव के हाथों से बेलन ले लिया लेकिन रमन नहीं माना उसने आज तय कर लिया था कि वो एक अच्छे पति का फ़र्ज निभाएगा और उसने शिखा से कहा तुम आज यहाँ ही बैठो मुझे थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ गर्म रोटियाँ तो आज मैं तुम्हें ज़रूर खिलाऊँगा पाँच दस मिनट की मेहनत लगी उसे कभी आटा चिपक गया तो कभी बेलन में रोटी चिपक के बन गई लेकिन आखिरकार उसने रोटी बना ही ली और अपनी पत्नी को थाली सजा कर गर्म रोटी दी उस फुलके में बेशक गोलाकार नहीं था उतनी पतली भी नहीं थी जितनी शिखा बनाती थी लेकिन फिर भी उसमें था उसके पति का प्यार पति की फिक्र उस रोटी को देखकर एक निवाला खाकर ही उसका पेट भर गया उसे लगा कि कोई तो है जिसने उसकी फिक्र की याद आ गया उसे अपनी मम्मी के हाथ का खाना कैसे उसकी मम्मी एक एक करके कहती अरे बेटा खा लेना कुछ नहीं होता पतली सी छोटी सी तो रोटी है बस आज उसके पति ने भी उसे प्यार से रोटी दी वो बहुत खुश हो गई आज पहली बार शादी के इतने समय के बाद उसने गर्म रोटी का स्वाद चखा तो ये थी एक प्यारी सी छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अरे हाँ ये भी बताइएगा कि आपको कभी मिली है गर्म रोटी अपने पति के हाथों से ऐसा वैसे होता कम है लेकिन कहानी सुनने के बाद अपने पति देव को ज़रूर कहिए कि आपको एक रोटी बना कर दें क्या कहते हैं चलिए तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक खुश रहिए इंजॉय कीजिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा धन्यवाद मिलती हूँ बाय